मौजूदा वेले च जो एक्टिव गैंगस्टर ने उन्हां दे विच है हरविंदर सिंह रिंदा जो पाकिस्तान तो एक्टिव है, लखबीर सिंह लंडा जो कैनेडा तो एक्टिव है, गोल्डी बराड जो कैनेडा तो एक्टिव है, लक्की पटियाल जो आर्मेनिया तो एक्टिव है। जेल होवे या फिर विदेश, ए ओ गैंगस्टर ने जो लगातार एक्टिव ने। पहला गल जेलां दी करदे आं, ए गैंगस्टर जेलां दे विचों एक्टिव ने। इस दी जोंदी जागदी मिसाल लॉरेंस बिश्नोई अते जग्गू भगवानपुरी है। सिद्धू मूसेवाला दे कतल दा लॉरेंस बिश्नोई मास्टरमाइंड है, यानी उसने दिल्ली दी तिहाड़ जेल दे विच बैठिया सिद्धू मूसेवाला दा कतल करवा दिता। अजिहे दे विच पुलिस अगे वड्डी चुनौती है कि जेलां दे विचों गैंगस्टरां दी एक्टिविटी किवें रोकी जाए, जिस नूं रोकण लई जेलां दे विच होर सख्ती करनी पवेगी तां जो गैंगस्टरां तक जेलां दे विच मोबाइल फोन ना जा सकन। इह फोन ही ने जिन्हां दे जरिए गैंगस्टर जेलां दे विचों वारदातां नूं अंजाम दिवाउंदे ने। अजिहे दे विच पुलिस अगे अगली चुनौती फिरौती लैण दा कल्चर है। जेलां दे विच बैठे गैंगस्टर अपने ग्रुप नूं होर मजबूत करन लई फिरौतियां वसूलदे ने। ए गैंगस्टर अपने गुरगियां राही लोकां नूं डरा धमका के मोटे पैसे उगराउंदे ने। अजे दे विच पुलिस अगे वड्डी चुनौती गैंगस्टरां दे गुरगे ने। इन्हां गुरगियां दे सिर ते जेलां दे विच बैठे गैंगस्टर मनाइयां करदे ने। नतीजा ओह जेलां दे विच बैठ के भी आर्थिक तौर ते कमजोर नहीं पैंदे, महंगे अते वड्डे वकीलां दी फीस चुकाउंदे ने। चाहे फिर कतल होवे, डराउणा धमकाउणा होवे या फिर फिरौती लैणा, जेलां दे विच बैठे वड्डे गैंगस्टर पूरी खेड इन्हां गुरगियां राहीं खेडदे ने, क्योंकि इन्हां कोल हथियारां दी कोई कमी नहीं है। इन्हां हथियारां दे दम ते गैंगस्टर वड्डी तो वड्डी घटना नूं अंजाम दिंदे ने। सिद्धू मूसेवाला दे कतल लई आधुनिक हथियारां दा ही इस्तेमाल होया है, क्योंकि ये हथियार इन्हां बदमाशां तक आसानी नाल पहुंच गए सन। पंजाब पुलिस अगे सब तो वड्डी चुनौती है। हालांकि BSF पूरी तरह नाल मुस्तैद है, पर फिर भी देश दे दुश्मन हथियार सरहद पार तो भेजन दे विच कामयाब हो जांदे ने। ड्रोन राही हथियार आउण दीआं कई घटनावां सामने आ चुकियां ने। इह सब हो रिहा है विदेशां तो एक्टिव गैंगस्टरां दे सहारे। लखबीर सिंह लंडा, गोल्डी बराड, लक्की पटियाल अते हरविंदर सिंह रिंदा, एओ गैंगस्टर ने जो विदेशां तो एक्टिव ने। पाकिस्तान च बैठा रिंदा हुण अतवादी गतिविधियां च शामिल है। रिंदा दे पारस सने विदेशां दे विच बैठे गैंगस्टरां नाल संबंध ने। इन्हां जरिए वारदातां नूं भी अंजाम दिवाउंदे ने अते हथियार भी सप्लाई करदे ने। इन्हां तमाम चुनौतियां नाल नजिठणा पंजाब पुलिस लई आसान नहीं रहण वाला। लोड़ होवेगी दृढ़ अते मजबूत इरादे दी, फिर किते जाके पंजाब विचों इस अलामत नूं खत्म कीता जा सकदा है। वेखो ABP सांझा पंजाब दे सारे वड्डे प्लेटफॉर्म्स ते।